मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी सबसे खास बात है कि भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग शिव जी के साथ साथ माता पार्वती को भी समर्पित है। मल्लिकार्जुन मंदिर का नाम मल्लिका माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव शंकर के नाम पर पड़ा। यहाँ भगवान शिव को मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से भक्तों को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के यहाँ ज्योतिर्लिंग होने के संबंध में कथा है कि नाराज कार्तिकेय को मनाने के लिए भगवान यहाँ आए थे। क्रोच पर्वत पर वह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो चलिए जानते हैं ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा के बारे में। एक बार भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश शादी को लेकर आपस में उलझ गए। भगवान कार्तिकेय का मानना था कि वह भगवान गणेश से बड़े हैं। दूसरी तरफ गणेश अपने जिद पर अड़े थे। यह झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि माता पार्वती और शिव तक पहुंच गया। शिव पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर पहले आएगा हम उसका विवाह पहले कर देंगे। इस शर्त को सुनकर कार्तिकेय अपने सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। परंतु चूहे की सवारी वाले गणेश के लिए मुश्किल काम था। भगवान गणेश बुद्धि के सागर थे। उन्होंने एक उपाय सोचा और माता पार्वती तथा पिता शिव की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। गणेश की इस समझदारी से शिव और पार्वती बहुत खुश हुए। कार्तिकेय के आने से पहले गणेश की शादी विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि के साथ करा दी गई, जिससे गणेश के 2 पुत्र शुभ और लाभ हुए। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके आए तो वह सब देख कर नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कार्तिकेय क्रोच पर्वत पर आ गए। सभी देवताओं ने कार्तिकेय को लौटने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माने। कार्तिकेय के लौट कर ना आने पर माता पार्वती और भगवान शिव को पुत्र वियोग होने लगा। वह दुखी हो गए। एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती से नहीं रहा गया तो दोनों स्वयं क्रोच पर्वत पर आ गए, लेकिन कार्तिकेय माता पिता को आता देख और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा से भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि उसी दिन से यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येक पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसे भी प्रबल मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं अमावस्या के दिन और माता पार्वती पूर्णिमा के दिन यहाँ आती हैं, जिससे इस ज्योतिर्लिंग की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। तो यह था भगवान शिव का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसकी महिमा अपरंपार है। आशा है आज की यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी।